नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय। आज हम बात करने वाले हैं सुपर कैरी विद सुपर पावर, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या क्या चेंजेस किए हैं, इसके बारे में आज हम फुल डिटेल में बात करेंगे। देखिए, लुक की अगर मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी ने लुक इसका कुछ भी चेंज नहीं किया है, सेम लुक है। अगर आप इसका फ्रंट से लुक देखोगे तो आप देखिए जैसा पहले था वैसा ही इसका फ्रंट में लुक है। लाइट की अगर मैं बात करूं तो लाइट एकदम बढ़िया सा मारुति सुजुकी ने पहले से ही देखे रखा है, जो हमारा पूरा का पूरा रोड का एरिया कवर करता है, और सेंटर में इधर मारुति सुजुकी का लोगो देके रखा है। देखिए, मैं किसी कंपनी का तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन जब से सुपर कैरी आया है इसने बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। आप देखिए यहाँ पे सुपर कैरी का छोटा सा लोगो देखे रखा है क्रोम में, जो काफी अच्छा दिखता है। यहाँ पे दो वाइपर दो वाइशर के साथ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया है, लुक भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे सीएनजी का छोटा सा ऊपर फिर से एक लोगो देखने को मिलेगा, जो आपको इंडिकेट करता है कि सीएनजी का वेरिएंट है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूं तो 175 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। चलो अभी ओआरवीएम के बारे में बात करेंगे। ओआरवीएम काफी बड़ा देखे रखा है, आप देख सकते हो, जिससे क्या होगा कि बैक साइड का आपको पूरा रोड एकदम क्लियर देखेगा। देखिए काफी बड़ा है। और यहाँ पे हम आते हैं डोर के पास, तो एकदम बेसिक चीज है, फिर भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे डोर अनलॉक लॉक का है और ऊपर आपको ब्लैक फिनिश में डोर ओपन करने का हैंडल है। टायर के बारे में अभी हम बात करेंगे, तो टायर काफी बड़ा देखे रखा है, 13 इंच का टायर का साइज है, आप देख सकते हो काफी बड़ा टायर साइज है। और लॉन्ग ड्राइव के लिए आपको फ्रंट में इन्होंने सस्पेंशन भी देखे रखा है, आप देखिए, थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा खराब हो गया है, लेकिन ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सस्पेंशन आपको आगे देखे रखा है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको 5 लीटर का इमरजेंसी टैंक मिलेगा, पेट्रोल टैंक, और उसके साइड में ही आपको यहाँ पे सीएनजी फिल करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ये आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। मैं आपको खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें काफी नाजुक चीजें है, आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, ओपन करते समय इसको एकदम इजीली ओपन करना है। इसमें क्या होता है, थ्रेड होता है, वो थ्रेड अगर खराब हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे लीकेज नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको एकदम आसानी से ये ओपन करना है। देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको लगाते समय एक और ध्यान देना है, लगाते समय कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम टाइट कर देते हैं, तो इसको ज्यादा टाइट करने का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा आप इसको घुमा के अगर लॉक कर दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस साइड में आपको ऑन ऑफ करने का सीएनजी का ये देखे रखा है ब्लू कलर में। चलो अभी मैं इसको लॉक कर देता हूँ और आपको मैं थोड़ा बैक साइड दिखा देता हूँ। बैक साइड में आपको दिखाता हूँ कौन सा स्प्रिंग है, इसको हम लिफ्ट स्प्रिंग बोलेंगे। मैं थोड़ा बैक साइड से दिखाता हूँ, बैक साइड से आपको एकदम क्लियर दिखेगा कैसे दिखता है लिफ्ट स्प्रिंग। काफी बड़ा और लंबा लिफ्ट स्प्रिंग देखे रखा है, आप देखिए यहाँ से लिफ्ट स्प्रिंग देखे रखा है। यहाँ पे आपको स्टेपनी देखने को मिलेगा और उसके साइड में आपको एग्जॉस्ट पाइप भी देखने को मिल जाएगा। पीछे के साइड से गाड़ी का वो लुक कुछ इस तरीके से दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। टेल लैम्प के डिजाइन कुछ इस तरीके से डिजाइन किए हैं, आप देख सकते हो। ये जो ब्लैक कलर में ये 4 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिलेगा, और जो टेल लैम्प के ऊपर है रिफ्लेक्टर आपको 2 देखने को मिलेगा, जो नाइट में आपको प्रोटेक्ट करेगा। देखिए इस तरीके से कुछ माउंट किया है। चलो अब इसके डेक के बारे में आपको बताता हूँ। 2183 mm लेंथ है इसका, और 1488 इसका विड्थ है, और पेलोड कैपेसिटी इसका आता है आपको 625 किलो सीएनजी में। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे देखिए आपको स्टेपनी लॉक करने के लिए सिस्टम देखे रखा है, जहाँ पे आप इसको अगर लॉक कर दोगे तो यहाँ से कोई निकल नहीं पाएगा। वही अगर सेम वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, बैटरी को भी ऐसे ही देखे रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए बैटरी को भी सेम ऐसे ही देखे रखा है, जिससे आप अगर लॉक कर दोगे बैटरी को तो ये कोई भी यहां से खोल नहीं पाएगा। चैसी की अगर मैं बात करूं तो चैसी में कहीं पे भी बेंड नहीं है, एकदम स्ट्रेट पूरा चैसी है, आप इस तरीके से देख सकते हो, आप पूरा स्ट्रेट है इस चैसी। देखिए अगर आपको सामान रखने का है तो बहुत सारी जगह पे इन्होंने बॉक्स देखे रखा है, पॉकेट देखे रखा है। देखिए यहाँ पे भी है थोड़ा, यहाँ पे भी आप रख सकते हैं थोड़ा, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर आपके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसके अंदर भी रख सकते हैं। और इसका स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी बड़ा इसका स्पेस है, आप देख सकते हो। और नीचे का स्पेस आप देखिए, नीचे का स्पेस भी बहुत बढ़िया है, देखिए बहुत एकदम अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको क्लच ब्रेक एक्सीलेटर आपको देखने को मिलेगा, और नीचे आपको एक कारपेट आएगा। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक है, ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर है। यहाँ पे आपको ये डोर ओपन का ये सब कांच ऊपर नीचे करने का फंक्शन है। और इसका सीट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत एकदम फ्लैट सीट है, यहाँ पे एक आदमी आराम से सो सकता है, इतना बड़ा सीट है, आप देखिए।
यहाँ पे सीट बेल्ट इन्होंने दोनों साइड दे के रखा है, देखिए ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड इन्होंने सीट बेल्ट दे के रखा है, और सीट बेल्ट रिमाइंडर भी है। अगर आप ड्राइवर का साइड सीट बेल्ट लगाओगे और को ड्राइवर साइड का सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो इसमें आपको बजर करेगा, आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर आपके इसमें देखने को मिलेगा। पीछे के साइड में स्लाइडिंग विंडो है, आप देखिए स्लाइडिंग विंडो है। ये किसी किसी गाड़ी में पैक आता है, ये गाड़ी में पैक नहीं आता है। यहाँ पे आप टेप लगा सकते हो, अगर आपको टेप लगाना है तो आप यहाँ पे टेप लगा सकते हो। और वही थोड़ा नीचे जाएंगे तो 12 वाट का एसेसरी सॉकेट भी आपको देखने को मिलेगा। सनवाइजर आपको ड्राइवर साइड में मिलेगा, को ड्राइवर साइड में आपको सनवाइजर नहीं मिलेगा। ये देखिए ड्राइवर साइड में सनवाइजर देखे रखा है। यहाँ पे IRVM है और यहाँ पे एक छोटा सा लैंप है। इसकी चाबी कुछ इस तरीके से देके रखी है, पहले के चाबी में और अभी के चाबी में थोड़ा फर्क है। यहाँ पे चाबी पे भी आपको मारुति सुजुकी का थोड़ा सा एक लोगो देखने को मिलेगा। इसका चाबी लगा के मैं आपको इसका थोड़ा सा छोटा सा जो डिस्प्ले है वो आपको दिखाता हूँ। देखो डिस्प्ले कुछ इस तरीके से इसका डिस्प्ले दिखता है, और यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक मॉब देखे रखा है जिससे आप ट्रिप एडजस्टमेंट कर सकते हो। इधर जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे हेडलैम्प लेवलिंग का ऑप्शन देखे रखा है, और यहाँ पे आपको वाइपर का ऑप्शन देखे रखा है। वही अगर मैं इधर आता हूँ तो आपको ये इंडिकेटर का देखे रखा है, ये देखिए आप इंडिकेटर का आप देख सकते हो इधर देखे रखा है। और ये हमारा कुछ इस तरीके से स्टेयरिंग दिखता है, जो आपको ये मैनुअल स्टेयरिंग और पावर स्टेयरिंग जो होता है उसके बीच में का ये वेरियंट है, इसको हम रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग बोलते हैं। चलो अभी थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके इंजन के बारे में। देखिए यहाँ पे लॉक इंजन आपको सीट के नीचे देखने को मिलेगा, और यहाँ से एक लॉक सिस्टम होता है, इसको आप प्रेस करोगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। इसका जो इंजन है काफी तगड़ा 1200 cc का इंजन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले इसको MPFI इंजन आता था, अभी जो इंजन है वो K सीरीज का इंजन आता है। अगर K सीरीज के ऊपर आपको फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और पुणे सिटी में आकर आपको गाड़ी परचेस करना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रख दूंगा।